हेलो फ्रेंड्स, जीएसएम हेल्पफुल चैनल में आपका स्वागत है। तो मेरे पास है सैमसंग फ़ोन, इसमें एफआरपी प्रॉब्लम है। तो मिग्मा टूल्स में हम ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है तो उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जब फ़ोन हम कनेक्ट कर देते हैं उसके बाद आपको एफआरपी अनलॉक एफआरपी सैमसंग अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताता है फेल नो कनेक्टेड डिवाइस फाउंड। तो उसका सॉल्यूशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइट क्लिक करना है और डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद आपको लेब यूएसबी के यूएसबी ड्राइवर अपडेट करना है, सैमसंग एंड्रॉइड जो लिखा है राइट क्लिक करना है, अपडेट पे क्लिक करना है, ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर, लेट मी पिक फ्रॉम अ लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर ऑन माय कंप्यूटर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सैमसंग मोबाइल यूएसबी कॉम्पोसाइट डिवाइस पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। वो करने के बाद आपको वापस अनलॉक एफआरपी सैमसंग अकाउंट पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फाउंड पोर्ट कॉम 21 आ गया है। तो इस तरह आप फेल नो कनेक्टेड डिवाइस सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो ऐसे ही ट्यूटर के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे चैनल जीएसएम हेल्पफुल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हैं तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।